सर, सो मेनी क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड. ये जैसे बैट्समैन की हम बात करें, उनका तो रस्टीनेस आएगा जाएगा, लेकिन हमारे बोल में आ रहे हैं कुछ ऐसे नाम आ रहे हैं आपके, नवदीप सैनी ऑल्सो बिकॉज वो अभी T20 में ही प्लेइंग अंडर विराट कोहली, कुछ ऐसे सोच रहे हैं लोग, क्या वो अंदर स्पेस बना पाएंगे. दूसरा यशवेंद्र चहल, क्या समय आ गया कि चहल को टेस्ट टीम में लिया जाए. डू यू थिंक दीज टू पंट्स कुड बी यूज्ड इन ऑस्ट्रेलिया. देखिए, एक चीज जो होती है ना, वी गेट कैरिड अवे बाय व्हाट वी सी. अभी तो ये चहल, बिकॉज इज हैड अ गुड आईपीएल, वी वांट हिम इन द टेस्ट टीम, लेकिन उनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड चाहिए. क्या है कि एक रणजी ट्रॉफी होती है पूरी साल भर, 4-6 महीना लोग खेलते हैं, तो उसके परफॉर्मेंस के ऊपर टेस्ट टीम सिलेक्ट होनी चाहिए. एंड चहल हैज नेवर रियली मेड अ मार्क एज अ लॉन्ग फॉर्मेट बोलर. और अश्विन और जाडेजा भी एस्टैब्लिश दो स्पिनर्स हैं, तो मुझे लगता है उनको हिलाएंगे नहीं कोई. और जाडेजा मैं हमेशा मानता हूं, and publicly they have said that his real value is in test cricket as a specialist left arm spinner and good batsman down the order. So Chahal, I don't think will be considered or selected. A बहुत ही बढ़िया 50 overs and T20 bowler है. मैं छोटा सा इंसान है लेकिन बड़ा उसका जिगर है, दिल है. So Ashwin Jadeja, I see are the two people, and the reserve spinner will be Kuldeep Yadav. एंड व्हाट अबाउट नवदीप सैनी, क्या बैप्टिज्म बाय फायर हो सकता है क्या फास्ट बॉलिंग में? एक्चुअली जब उनको अब मैंने देखा बॉलिंग करते हुए, वार्म अप्स में भी काफी बार देखता हूं, एक्चुअली उनके लिए आइडियल फॉर्मेट है टेस्ट क्रिकेट. सब फास्ट बॉलर्स के लिए सबसे डिफिकल्ट एक्चुअली T20 है, लेकिन T20 में मौके ज्यादा मिलते हैं इसलिए उनको वहां पर डेब्यू करना पड़ता है. तो सैनी आई थिंक विल गो ऑन दैट ट्रिप. और जो लास्ट न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें वो स्क्वाड में थे, और ईशांत शर्मा के लिए आगे जाके परफेक्ट रिप्लेसमेंट है, लाइक फॉर लाइक. टॉल है और बिल्कुल ऑफ स्टंप के चैनल पे गेंदबाजी करेंगे. और बुमराह, शमी एंड ईशान, ये ट्रायो होगा. एंड रिजर्व्स में सैनी वुड बी गुड. दिस इज अमेजिंग. आई मीन लुक एट आवर फास्ट बॉलिंग रिसोर्सेज. बुमराह एब्सोल्युटली. एंड मोहम्मद शमी का जिस तरह ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है पिछले 2 सालों में, बुमराह तो यस, बट इवन शमी आई थिंक ही इज ऑलमोस्ट लाइक अ प्रीमियर बोलर. आर यू सरप्राइज्ड कि लेटर इन हिज करियर इतना ट्रांसफॉर्मेशन किया उन्होंने? एक मैं उनको हमेशा कहता था कि ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, यानी तीन स्पेल डालेंगे टी टाइम के पहले एंड ही वुड बी ऑल ओवर द प्लेस. यानी इतना अच्छा स्पेल नहीं होता था, और फिर पोस्ट में लास्ट स्पेल में 2-3 विकेट निकालकर अपना क्लास दिखाते थे. तो ऐसे उनके 5-6 साल निकल गए, लेकिन लास्ट एज यू सेड 2-3 ईयर्स में समथिंग यर एस चेंज. ही इज जस्ट बहुत फोकस्ड हो गए हैं. ही हैड अ पर्सनल क्राइसिस ऑल्सो, वेदर उस that has changed him and he's become really focused on what is really important for him and no distraction. So Shami has just become that much more mature. Uska jo run up was an issue, kabhi kabhi he used to run fast, kabhi kabhi slow, strides lambe the, lekin wo bhi unhone sort out kiya hai. And he's become more accurate. Finally wo cheez hai test cricket mein, you got to be more accurate. Kyunki Shami ka hota tha ki do acche ball और फिर एक बॉल पैड के ऊपर, बिकॉज ही वांटेड टू गेट अ बॉल बैक इन एंड फिर रन जाते थे, प्रेशर भी निकलता था. तो शमी इज जस्ट इनक्रेडिबल. और एक गिफ्ट उनके पास पहले से थी, एक छोटी सी चीज है रिस्क की, जो रिलीज होती है, हाउ यू रिलीज द बॉल. और उनसे बेहतर एक्चुअली किसी की रिस्क रिलीज इंडियन क्रिकेट में है नहीं. आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी कि हमारे लड़के क्या बाउंस करवा पाएंगे कि नहीं. डू यू थिंक वी आर द फेवरेट्स गोइंग इन बोथ इन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया? क्योंकि जिस तरह लड़कों की, हालांकि इंग्लैंड बहुत अच्छा खेल रही है क्योंकि उन्होंने तो एक्चुअली क्रिकेट पहले चालू किया था, सबसे पहले ये लॉकडाउन के बाद. और एक आध प्लेयर उनके मुझे लगता है कि बड़े फॉर्म में नहीं है, बेन स्टोक्स बहुत इशू रहता है उनके लिए. बट अदरवाइज डू थिंक इंडिया इज द फेवरेट गोइंग इन टू दीज टू सीरीज, या आपको लगता है कि भारत को अभी टेस्ट क्रिकेट में समय है वापस उस लय में आने के लिए? इस बार एक्चुअली विराट कोहली ने भी प्राइवेटली प्राइवेटली इस बात करते हुए उन्होंने कहा था कि दिस टाइम इतना आसान नहीं होगा. पिछली बार इंडिया गई थी, वहां पर उन्होंने सीरीज जीती थी फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में, फर्स्ट टाइम एवर. और उसकी वजह थी पुजारा, हु गॉट 300, ही गॉट द रन्स, और बोलिंग थी इंडिया के पास. सो मैं मानता हूं इफ यू हैव टू विन टेस्ट मैचेस यू नीड 3 वर्ल्ड क्लास बोलर्स, जो अब इंडिया के पास है. लेकिन अब उनके पास है डेविड वॉर्नर एंड स्टीव स्मिथ, सो उससे फर्क पड़ने वाला है. बॉलिंग अटैक में ज्यादा फर्क नहीं होगा, सेम लॉट होगा. नेथन लायन एक क्लास प्लेयर है, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, तो ये लोग होंगे. लेकिन स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर का फर्क होगा. इंडिया का जो वीकनेस है, कमजोरी टेस्ट क्रिकेट में अभी भी,
ओवरसीज में ओपनिंग स्लॉट बल्लेबाजी एक्चुअल बल्लेबाजी सो ये पुजारा हैड नॉट गॉट रन्स जिस तरह से इंडिया वुड हैव बीन इन ट्रबल. तो अभी भी द ओनली रिलायबल डिपेंडेबल प्रेडिक्टेबल बैट्समैन हु विल डू वेल एंड इफ ही फेल्स इट्स अ बिग सरप्राइज जैसे न्यूजीलैंड में हुआ था इज विराट कोहली. वेदर पुजारा वही परफॉर्मेंस रेप्लीकेट कर पाएंगे यू डोंट नो. रोहित शर्मा विल बी इंटरेस्टिंग बिकॉज ओपन करेंगे वो और उनके साथ मयंक अग्रवाल होंगे. अजिंक्य रहाणे आई एम अ लिटिल स्केप्टिकल अबाउट हिम. हनुमा विहारी थोड़े से यू नो रिलायबल एक बल्लेबाज होंगे. तो पुजारा एंड विराट कोहली विल स्टार्ट ऑफ एज जो है ना होप इंडिया के लिए. लेकिन बैटिंग विल बी द बिगेस्ट टेस्ट इंडिया के लिए वहां पर. डू यू थिंक इट्स आल्सो टाइम टू स्प्लिट कैप्टेंसी? समटाइम्स आई सी दिस सचिन यूज्ड टू से दिस. उनके साथ में नहीं हो पाया. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर्स एक्सेप्ट फॉर धोनी जिनका गेम ही चेंज हो गया था. बट वर्ल्ड वाइड भी अगर क्रिकेटर्स की बात करें गेम्स ग्रैम स्मिथ काफी उभर के निकले थे एज अ बैट्समैन एंड यू नो कैप्टन. बट एसेंशियली ये डबल प्रेशर ट्रिपल प्रेशर ऑफ अ नेशन लाइक इंडिया वो बहुत ज्यादा पड़ जाता है. तो डू यू थिंक मे बी इट्स टाइम टू स्प्लिट कैप्टनसी वन डेज में विथ रोहित शर्मा एंड हालांकि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज ईगो स्लैश स्टैचर्स. बट डू यू थिंक ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत अक्सर होता है दे यूज्ड टू स्प्लिट कैप्टनसी वेरी रेगुलरली. डू यू थिंक अब ये समय आ गया करने के लिए? आपको विराट कोहली को देख के लगता है क्या कि उनको प्रेशर आ रहा है कि मैं मुझे तीन यू नो फॉर्मेट्स में कैप्टनशिप करनी पड़ती है बिकॉज ही एंजॉयज दैट जॉब. तो जब तक ही इज फीलिंग गुड इंडिया इज प्लेइंग वेल इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स और जब तक इंडिया इज फॉर्चुनेट टू हैव समबडी लाइक विराट कोहली हु गोज इनटू ऑल थ्री फॉर्मेट्स क्वाइट इजीली एज अ प्लेयर. बाकी देशों में स्पेशली इंग्लैंड में प्रॉब्लम यह है कि जब उनके लाइक ऑयन मॉर्गन Yeah. वो टेस्ट टीम में ही कांट वॉक इन. तो जो रूट वहां पर कैप्टनसी करते सो उनके पास लिमिटेशंस है. इंडिया के पास है नहीं. विराट कोहली एक ऑटोमेटिक चॉइस है थ्री फॉर्मेट्स में. ही लाइक्स कैप्टनिंग एंड जब तक रिकॉर्ड ठीक ठाक है देयर इज नो वे विराट कोहली विल बी रिप्लेस्ड. एंड आई थिंक उसमें ज्यादा ये भी नहीं है देयर इज नो नीड. इवेंचुअली देखेंगे क्योंकि इंडिया इज lucky to have somebody like Rohit Sharma in the wings, but when you look at the age factor and fitness factor, dono mein, you know, you can't say that one, jaise Dhoni nikal gaya, you can't say ki Virat Kohli niklenge aur uske baad Rohit Sharma aa jayega. So who knows, kahan par jaane wali ye gaadi? Just before I leave you, sir, ye sabse zaruri sawal log bolte rehte hain, ubharta naya sitara, Bharat ka kaun hai? Aur kyunki We get carried away, क्योंकि अगर आप आईपीएल देखोगे तो ऐसा लगेगा एवरी डे तेवातिया आ गया ये आ गया बहुत सारे नाम निकलते रहते हैं. लेकिन इवन 50 ओवर फॉर्मेट में 20 एंड 50 में भी बहुत ज्यादा फर्क होता है. यहाँ पे मैक्सिमम 20-25 बॉल्स खेल रहे हैं. एक ऐसा उभरता सितारा आपको दिख रहा है जो फ्यूचर हो जाएगा भारतीय क्रिकेट का जो दैट यू फील बिकॉज पृथ्वी शॉ शुभमन गिल ये सारे ऐसे आ रहे थे बट वे नॉट टोटली श्योर. अकॉर्डिंग टू यू इफ यू टू पिक कपल ऑफ प्लेयर्स जो अगले 5-10 साल के लिए भारत के लिए बहुत जबरदस्त करने वाले वो कौन होंगे? देखिए फॉर्मेट की बात है सो वी आर टॉकिंग टेस्ट मैचेस मोस्टली राइट. क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में यू कुड से शुभमन गिल. शुभमन गिल एक इंटरेस्टिंग पोटेंशियल है उनके पास. फिर मुझे लगता है शॉ भी अगर यू नो शॉ का आईपीएल ठीक नहीं गया लेकिन टेस्ट करियर में बहुत कम खेले हैं बट ही इज गॉट अ 50 इन न्यूजीलैंड. ही इज गॉट अ 100 ही इज गॉट अ 90. तो ये लोग भूल जाते हैं कि 5-6 इनिंग में इनके स्कोर्स हैं. तो ही इज अनदर वन जो लाइन में खड़े हैं और मुझे लगता है उसमें कुछ दम है. थोड़ा सा ज्यादा फ्लैशी लगते हैं कभी कभी. वीरेंद्र सहवाग से अगर वो सीख ले बिकॉज वो उनकी तरह मुझे लगता है खिलाड़ी है. सो ही कैन बी अ गुड यू नो पोटेंशियल सितारा आगे वाला. एंड शिखर कैन मेक अ कमबैक. शिखर शुड मेक अ कमबैक बिकॉज T20 देखिए 50 ओवर्स क्रिकेट में तो शिखर धवन एंड रोहित शर्मा की जोड़ी होनी चाहिए. T20 में KL Rahul and Rohit Sharma and Shikhar Dhawan could be an option. But not test cricket. You don't see him ever opening for India again in test cricket. कभी बोल नहीं सकते आगे जाके क्या होगा. लेकिन Mayank Agarwal and Rohit Sharma will be the Indian openers to begin with. I don't think Dhawan test squad में भी होंगे मुझे लगता. Thank you so much, sir. I think always we get the insights that nobody wants to talk about. आप उस zone में चले जाते हैं. यहाँ पे क्योंकि क्या होता है कि भारत में 20 ओवर्स देख के सब लोग को लगता है कि वी आर विनिंग लेकिन दुनिया में लाइफ इज आल्सो चेंजिंग. संजय मांजरेकर सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दीज इनसाइट्स. थैंक यू थैंक्स फॉर हैविंग मी. ऑलराइट रेडियो सिटी.